औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के मदनपुर गांव में अंचलाधिकारी के तनसैया रवैया के कारण अक्सर अली को मकान को तोड़ दिया गया, जिसे खुले आसमान में जवान बेटियों के साथ रहने के लिए मजबूर है। यह समस्या 2 महीने से है, जिसे 20 लोग इस समस्या से प्रभावित है। घटना हुआ, अंचलाधिकारी से लोग आए मेरे घर पे और प्रशासन के लेके आए, लेडीज पुलिस लेके आए और आके बोले सामान सब खाली करो, हम तोड़ना है। हम लोग पूछे क्यों तोड़ रहे हैं, तो वहाँ से ऑर्डर आया है DM की तरफ से, इसके लिए तोड़ रहे हैं। उसके बाद आया, हम बहुत मांगे तो कागज दिखाइए हमको, कितना आया तोड़ने के लिए। अतिक्रमण ठहरा के तोड़ने लगे, हम बोले अतिक्रमण जमीन है खाली करो। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत रोए कि लाए, फिर भी नहीं सुने उन लोग। मेरा केस चल रहा है DM के पास और DM ने 8 की तारीख दिया था, लेकिन फिर भी 8 के छोड़ करके 9 को दे दिया। और DO के पास भी 27 तारीख को मेरा तारीख है और 9 के भी DM के पास तारीख है। इतने ही बीच में 2-4 दिन के अंदर में बोला CO से तुम्हारा आदेश है टूटने का, से तोड़ दो। हमने गया नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो नमाज भी नहीं पढ़े, उतना ही में देखे सब पुलिस और सब आया और CO आया यहाँ, तब वो बोला सर हटाओ सब खाली करो दुकान और घर खाली करो। तो हम बोले सर इतना जल्दी कैसे होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, सब खोलो जल्दी करो जल्दी करो। और नहीं भी करते 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 हाथापाई हुआ, मेरा लड़की को हाथ पकड़ के बांह फाड़ दिया एकदम, और बेहोश हो गई और पेशाब भी कर दिया। घर में मेरे अफिस हैं, उन लोग के भी पकड़ के ले गए सबको। से पकड़ कर कहाँ ले गए उन लोग? थाना में ले गए, वहाँ से मेरे मम्मी को बहुत घबराहट भी हो रही थी, फिर भी उन लोग मेरे मम्मी बहुत रो रही थी वहाँ से। हम फिर मम्मी को मुंह पे पानी मार रहे थे, पूरे रो रही थी, घबरा रही थी। तो थाना में आपकी मम्मी थी, इस समय इसका तबीयत खराब हो गया था, पकड़ के ले गए थे तभी घर से। प्रशासन इसके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया? नहीं बुलाया, हम लोग इतना बोले यहाँ सुल्तान डॉक्टर बुला दीजिए। तो आप लोग मदनपुर थाना गए थे? बुला दीजिए, फिर भी उन लोग नहीं बोले, ज्यादा बोलेगी तो मारेंगे यार, और फिर भी नहीं उन लोग सुना। 7 बजे सब रात में छोड़े उन लोग। तो आप लोग घर में सब कितना परिवार रहते हैं? सब 2 भाई हैं, 4 बहन हैं, 1 अम्मी पापा हैं और 2 और रहती है बहन बेटी लोग हैं 3। अच्छा, तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? आप देख भी सकते हैं कैसे रह रहे हैं, लगा के कैसे तंबू लगा के रह रहे हैं। अच्छा, तंबू लगा के रह रहे हैं जी। तो आप लोग का खाना पीना कहाँ से मिल रहा है? खाना पीना यही अगल बगल के दे रहे हैं, जमात वाले दे रहे हैं सब। हम चाहते हैं कि उसको अविलंब जैसे कि उसका मकान का निर्माण सरकारी खर्च पर करवाया जाए, और CO ने जो कार्य किया है, अनैतिक कार्य किया है, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाते हुए उसको बर्खास्त किया जाए। हम ये चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ मौजूद ही नहीं, आप आंदोलन में हैं और आने वाले दिनों में यह मोर्चा केवल हम लोगों का नहीं, ये मोर्चा तमाम दलों का है, तमाम बुद्धिजीवियों का है, अमन पसंद लोगों का है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हम तमाम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। यह वीडियो देखने वाले तमाम साथियों से निवेदन है, औरंगाबाद जिला पदाधिकारी कमल तमुज के मोबाइल नंबर 9473191261 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महावा, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया, नॉर्थ के लिए।